नमस्कार, किरण रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। आइए देखते हैं सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। सूजी 200 ग्राम इस तरीके से सूजी ले लें और 200 ग्राम चीनी, सूखा नारियल इस तरीके से बारीक कटा हुआ, बादाम, किशमिश, हरी इलायची और घी। घी भी आप 200 ग्राम लें और 2 बड़े कप पानी। आइए हलवा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन कर लें, उसमें कढ़ाई रख लें इस तरीके से और कढ़ाई को गर्म होने दें। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हम ये घी डालेंगे। घी भी हमने 200 ग्राम लिया है और इसको अच्छी तरीके से पिघल लेने। घी हमारा पिघल चुका है, अब हम इसमें सूजी डालेंगे। सूजी भी हमारी 200 ग्राम है इस तरीके से और इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। सूजी को भूनते समय आप गैस को मीडियम रखें, बहुत तेज आंच पे ना भूनें इसको। और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि हल्की गोल्डन या ब्राउन ना हो जाए। इस तरह भून लें, जब तक हमारी सूजी भूनती है तब तक हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए चाशनी तैयार करने के लिए एक पतीले में पानी ले लें 2 बड़े कप और इसमें हम ये 200 ग्राम चीनी डाल देंगे। और इसको गैस पर रखें, गैस को ऑन कर दें, इसको हिला लें ऐसे और इसको तब तक बनाएं जब तक चीनी इसमें पिघल ना जाए आपके, अच्छी तरीके से पानी में घुल जाए। और हम इसमें ये 4 छोटी इलायची डाल देंगे। चाहे तो आप इसको कूट लें, चाहे तो आप इसको ऐसे ही साबुत डाल दें और उसको हिला लें बीच में ऐसे। अब हमारी चाशनी बनकर तैयार है, गैस को हम बंद कर देंगे, इसको निकाल देंगे गैस से। अब ये सूजी बुनकर हमारी बिल्कुल तैयार है। इसमें किशमिश डाल देंगे हम और ये सूखा नारियल इस तरीके से बारीक काट लें आप इसको और थोड़ा सा बादाम थोड़ा बचा लेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें इस तरीके से। गैस को आप बिल्कुल कम रखें अभी। चाशनी जो हमने बनाई है इसको धीरे धीरे इसमें डालेंगे, धीरे धीरे डालें। और इसको इस तरीके से हिला लें थोड़ा, गैस को बढ़ा लें आप। और इसको तब तक पकने दें जब तक ये पानी में सूख न जाए। इसको हिलाते रहें बीच बीच में इस तरीके से, आप इसका पानी सुखा लें थोड़ा। इसको और पकने दें, हलवा बनाना बहुत ही आसान होता है सूजी का। आप इसमें तीनों चीज़ बराबर डालें, घी भी, सूजी भी और चीनी भी। चाहे तो घी आप कम भी डाल सकते हैं और जो हलवा बनता है प्रॉपर उसमें हम तीनों चीज़ बराबर डालते हैं। ये हमारा हलवा बनकर तैयार है। अब हम इसमें ऊपर से 1 बड़ा चम्मच घी और डालेंगे ऐसे, इसको पिघलने दें थोड़ा, हिलाते रहें बीच बीच में।
आपका इसमें मिलाएं जब तक ये आपका घी छोड़ दे। अभी हलवा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कढ़ाई में अभी चिपक नहीं रहा हमारा बिल्कुल, ये इस तरीके से आप देख लें। ये कढ़ाई में बिल्कुल चिपकना नहीं चाहिए, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, दो मिनट को ठंडा होने दें। अभी हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है, इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी हलवा हमने इस तरीके से एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ये बादाम जो हमने बारीक काट लिए हैं इस तरीके से पतले पतले लंबे लंबे काट लें, इसके ऊपर इस तरीके से डालेंगे। इस तरीके से हमारा गर्मा गर्म हलवा बनकर तैयार है। चाहे तो आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं, गर्मा गर्म हलवा बनाएं और सबको खिलाएं। और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपना हलवा किरण से रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।